तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में ही टकरार देखने को मिल रही है। जेडीयू और आरजेडी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता शकील खान ने करारा जवाब दिया है। सभी पार्टी एक दूसरे को नसीहत देती दिख रही है। इसका असर सबसे अधिक बिहार में देखा जा रहा है। जेडीयू से लेकर आरजेडी ने इस हार का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया है, तो वहीं अब कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है। दरअसल कांग्रेस नेता शकील खान ने बिना नाम लिए जेडीयू को अपने गिरेबान में झांकने के लिए कहा है। शकील खान ने कहा कि हम लोग तीन राज्य हारे हैं और एक जीते भी हैं। हम इस हार का भी दिलेरी से सामना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकें। शकील खान ने कहा कि आज जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछे कि भारतीय जनता पार्टी को यहां तक किसने लाया है, देश भर में घूम घूम कर किसने भाजपा के लिए प्रचार किया है। यह आत्ममंथन का समय है और इस पर विचार करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी कांग्रेस को नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के सभी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उदारता दिखाती और सबको साथ लेकर चलती। इतना ही नहीं, अभिषेक ने कहा कि सिर पर लोकसभा का चुनाव है, समन्वय बनाए जाने की जरूरत है, सभी लोग साथ मिलकर चलना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बिहार ही नहीं, इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो शायद आज मध्य प्रदेश का चुनाव के नतीजे कुछ और होते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने अहंकार से आगे नहीं आ रही है निकल नहीं पा रही है, जिसका नतीजा सबके सामने है। हमने चुनाव हारा है लेकिन हिम्मत नहीं हारा है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक दलों के मीटिंग के बाद यह फैसला हुआ है कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किसे मध्य प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाती है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।